नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 फर्स्ट क्वेश्चन हमको इवैल्यूएट करना है। तीन क्वेश्चन दिया है 64:1/2, 32:1/5 और 25:1/5। कैसे बहुत आसान क्वेश्चन। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ 3। ओके यहाँ अगर 2 है तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर है। यहाँ 5 है तो हम लोग ये देखेंगे कि ये नंबर किसका पावर 5 आता है, और यहाँ 3 है तो हम लोग ये देखेंगे कि ये नंबर किसका क्यूब है। तो ये यहाँ 2 है तो मैं चेक करूंगा कि किसका स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर, मैंने इसको 8² लिख दिया, 7 में पावर 1/2। अब एक ही टर्म को जब दो पावर आती है तो ये फॉर्मूला लगता है हमारा इंडिया सिस्टम। एक ही टर्म को दो पावर है उनको कर दो मल्टीप्लाई, तो 8:2 × 1/2 ये कैंसल हो गया, 8:1 फाइनल आंसर आ गया। बिल्कुल वैसे ही यहां पर 5 है तो ये चेक कर रहे हैं कि किसका पावर 5। 2 × 4 × 8 × 16 × 32 मतलब 2:5 आता है, तो इसको मैंने लिखा 2:5। वैसे फिर से ये फॉर्मूला, एक टर्म को दो दो पावर तो दोनों पावर करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट पावर इंटू सेकेंड पावर, कैंसल हो गया तो आंसर आया 2:1, दैट इज आंसर इज 2। लास्ट क्वेश्चन उसका, यहाँ 3 है तो देखेंगे कि ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब, 5 × 5 × 5 = 25। फिर से यही फॉर्मूला, एक संख्या को दो पावर, दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5:3 × 1/3 कैंसल, 5:5। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। 64 वाला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, 64:1/3। अब हम लोगों ने देखा होगा कि ये यहां अगर 3 है तो ये किसका क्यूब है वो हम लोग चेक करेंगे। ये 4 का क्यूब आता है, 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 64। तो मैंने इसको लिखा होगा 4 का क्यूब पावर 1/3। फिर से ये फॉर्मूला, तो 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर आया आपको। क्वेश्चन 2 करते हैं, वो भी ऐसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं कैसे करना है। 1.5 सेकंड क्वेश्चन के मैंने अब चार क्वेश्चन लिखे हुए, 1.6 सेकंड क्वेश्चन के चार क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किए थे वैसे ही है। यहाँ 2 है, हम लोग देखेंगे किसका स्क्वायर है, यहाँ 5 है ये चेक करेंगे किसका पावर 5 है, यहाँ 4 है चेक करेंगे किसका पावर 4 है, यहाँ 3 है चेक करेंगे किसका पावर 3 है, ये 9, यहाँ 2 को मैं चेक कर रहा हूँ ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, इसको 3² लिखा, पावर 3/2। फिर से ये फॉर्मूला, एक संख्या को दो पावर तो दोनों पावर को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 3:2 × 3/2 को कर रहे 3³, दैट इज 3 × 3 × 3, फाइनल आंसर 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे यहाँ 5 है तो चेक करेंगे किसका पावर 5, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया कि 2:5 है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 2:5 × 2/5। फिर से फॉर्मूला, एक संख्या को दो पावर दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2/5 ये कट गया, 2² दैट इज 2 × 2, फाइनल आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 4 है तो ये चेक करेंगे किसका पावर 4 है, 2 × 4 × 8 × 16 मतलब 2:4, इसको मैंने लिखा 2:4, 7 में पावर 3/4, एक संख्या को दो पावर, फिर से फॉर्मूला, दोनों पावर को करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट पावर इंटू सेकंड पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई, कैंसिल हुआ, 2:3 का आंसर करेंगे, 2 × 2 × 2 × 4 × 8। लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है बस इतना ही फर्क है। यहाँ 3 है चेक करेंगे किसका पावर 3 है, 5 का क्यूब आता है, −1/3। फिर से एक संख्या को दो पावर, ये कट गया, 5 × −1 है। अब ये पावर माइनस हमको तो कभी भी नहीं चाहिए, हमको फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखना है। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर किसी भी टर्म को पावर निगेटिव है उस टर्म को अगर 1 के नीचे लिख लेते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो
तो 5s2-1 है, अगर इस टर्म को मैं 1 के नीचे लिख लेता हूँ तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो पावर 1 से नहीं कुछ फर्क पड़ता नहीं, तो मैंने इसको लिख दिया 1/5, हो गया फाइनल आंसर हमारा। 1.6 के लास्ट चार क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड के आखिरी के चार क्वेश्चन है, इसको इंडाइसेस के लिए फॉर्मूला यूज करना है जो हम लोगों ने आठवीं में भी यूज किए, जैसे कि पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा लगता है कि दो टर्म्स है जिनका बेस है सेम, इसको बेस बोलते हैं 2, तो बेस सेम है बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये फॉर्मूला लगता है कि बेस सेम है बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं पावर को करते हैं ऐड, बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर को ऐड करना, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा 2s2 फर्स्ट पावर प्लस सेकंड पावर, तो जिसको अब ये आता है करना उसके लिए क्वेश्चन को हो गया खत्म, अब सिर्फ ये सॉल्व करना है। मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं और मान लेते हैं 2/3 + 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 10 + 3 × 3 नीचे 3 × 5 = 15 आंसर है 13/15, तो पावर की वैल्यू मिल गई हम हमारी, इसकी वैल्यू क्या है 13/15, तो फाइनल आंसर इज 2s2 पावर 13/15 हो गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने अभी यूज किया, इसके पहले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया था, जब एक ही टर्म को दो पावर्स आते हैं तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई करना है, अब एक ही टर्म को दो पावर है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं या तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं पहले अब ये लिख लिया है तो मैं इसे करके निकाल, ये 1 को मैं 1 का पावर 3 लिख सकता हूं, जैसे नीचे है 3 का पावर 3 नीचे दिया हुआ है, ये मैंने अपने मन से लिख दिया है क्योंकि 1 को कुछ भी पावर हो तो आंसर तो 1 ही रहता है, तो 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं, अब दोनों ही पावर सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/3 होल रेस्ट टू पावर 3, ये ऊपर का पावर वैसे ही दोनों का पावर 3 है तो मैंने होल पावर 3 कर दिया, अब मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, देखो 1/3 को 2 पावर 3 और 7, तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो पावर दोनों मल्टीप्लाई करूंगा 3 7 और फिर फाइनल आंसर आएगा 1/3 रेस्ट टू पावर 21, एक तो ये फॉर्मूला लगा के मैं आंसर निकाल सकता हूँ, आंसर क्या आया है 1/3 रेस्ट टू 20। दूसरा हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो अगर कोई पावर ब्रैकेट को है a/b ब्रैकेट को पावर है तो वो पावर ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म को रहेगा, ऊपर वाले भी नीचे वाले दोनों को रहेगा, तो यहाँ पे 1 को भी पावर 7 रहेगा, इसको मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं तो ये 1 का भी पावर 7 रहेगा और नीचे जो 3 क्यूब था उसका भी पावर 7 रहेगा, दोनों का ही पावर रहेगा, अब 1 रेस्ट टू 7 तो 1 ही आता है, इसका आंसर मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लग रहा है हमारा, एक बार एक संख्या को दो पावर तो दोनों पावर होंगे मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आया 3 रेस्ट टू पावर 3 7 = 21 फाइनल आंसर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 होल रेस्ट टू 21, यहां सिर्फ 3 का पावर 21 है लेकिन मैं पूरे इसको डाल के लिख सकता हूं क्योंकि 1 रेस्ट टू 21 भी 1 ही आता है, तो ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों वैल्यू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है, यहां पे बेस सेम था बीच में मल्टीप्लाई था तो पावर को ऐड किया था, यहां देखो बेस सेम है लेकिन बीच में डिवाइड है तो पावर को माइनस करना होता है, जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर को माइनस करें, तो इसका आंसर क्या आएगा 11 रेस्ट टू फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर, जैसे यहां पे किया था फर्स्ट पावर प्लस सेकंड पावर, यहां फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर, जब हो गया इसको सिंप्लीफाई करते हैं फाइनल आंसर में, यहां सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 - 1/4 इसका आंसर निकाला 4 × 1 = 4 - 2 × 2 नीचे 4 × 2 = 8 आंसर आया 2/8 2 × 2 = 4 आंसर इज फाइनल 1/4, तो मैं लिखता हूं 11 रेस्ट टू पावर 1/4। लास्ट क्वेश्चन, और अब यहां पे दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन तो दिख रहा है
लेकिन ये फॉर्मूला में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला का यूज होता है जब बेस सेम हो, जैसे कि यहाँ बेस सेम था, यहाँ पे बेस ही अलग है, तो बीच में मल्टीप्लाई होने कोई फायदा नहीं, ये फॉर्मूला तो नहीं लगता। यहाँ पे ये फॉर्मूला में लगा रहा है, a into b raise to power n is a raise to n into b raise to n। अब यहाँ से उल्टा फॉर्मूला यहाँ लगा रहा है, पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, पावर सेम। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर पावर सेम है तो दोनों टर्म्स को मैं एक ही ब्रैकेट में डाल के उसको एक पावर लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का पावर सेम है। अब इसको फाइनल आंसर करके 56:1/2 हो गया फाइनल आंसर, क्वेश्चन खत्म। तो हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हुई, चैप्टर भी खत्म हुआ। आई होप मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को आराम से समझ में आ गया, और कुछ भी आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन होता है, आपको और कोई दूसरे क्वेश्चन चाहिए या किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हुआ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर वो क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, मेरी मेथड समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।